यू हैव टू डाई 100 टाइम्स बिफोर यू लिव वंस, क्योंकि जिंदा होने में और ज़िंदगी जीने में फ़र्क है। सो कम विथ मी एंड आई विल टेक यू टू माई रियल वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे? मैं वीडियो को लाइक करोगे कि नहीं करोगे? पूरी तरीके से तैयार है हम गुरुद्वार में जाने के लिए। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन ओवर देयर। एंड आप सभी का स्वागत है एक नए फ्रेश व्लॉग में, जिसमें बहुत कुछ चीजें नई होने वाली है और बहुत एडवेंचरस होने वाली है, जैसा कि हर व्लॉग में आपको हम कहते हैं और होता भी एक्चुअली, और इसमें भी होने वाला है। सो अभी जाते हैं नीचे, सुबह 6:05 हो रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर ल्यूब डालना है, क्योंकि 800 प्लस किलोमीटर चल चुका है गाड़ी, तो ल्यूब डालना एक बार ज़रूरी है चैन में। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल नज़ारे, नज़ारे के ही तो पैसे हैं। इन वादियों से टकरा गए किससे हमारे नजदीक, मेरे होटल से गुरुद्वार मार्ग ले 65 किलोमीटर अप्रॉक्स है, तो इट विल टेक 3-4 आवर्स ईजली। क्या नज़ारे है, मतलब देख रहे हो आप, क्रेजी क्रेजी। और यही वाले माउंटेन्स मुझे होटल रूम से दिख रहे थे, ऊपर के टॉप वाले पोर्शन जिसपे सनराइज हो चुका था। हमको बताओ कि क्या चाहते हो। इन पहाड़ों के बीच में से खाली रोड को देख के मन करता है कि बाइक बस उड़ाते चले, लेकिन इट्स नॉट दैट ईजी। इट्स बेटर टू टेक अ कैब और टैक्सी यहाँ आने के लिए। मेरी तरह गलती मत करना कि सोलो राइड आप मार रहे हो, वो भी फर्स्ट टाइम, वो भी इस जगह पे। इसी के तो पैसे हैं। और कभी भी मान लो आप रफ पैचेस पे हो और कर्व्स हो वहाँ पे, या फिर आपको डर लगे कि गाड़ी स्किड करने वाली है, तो कभी भी नेवर एवर यूज़ योर ब्रेक्स। हैंडल को अपना कंट्रोल में रखो, ब्रेक्स यूज़ मत करो आप। क्या बोलती पब्लिक। सो -6 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे, एंड टोटली लगी पड़ी है हमारी। अभी पिछले आधे घंटे से यहाँ पे आग पे अपने आप को थोड़ा गर्म कर रहे थे। एंड लुक एट दिस व्यू, बाइक वहाँ पे पार्क्ड है मेरी, एंड टेम्परेचर मे भी थोड़ा सा इंक्रीज हो, क्योंकि धूप थोड़ा थोड़ा हो रहा है। एंड यहाँ से अब 1.5 घंटे अप्रॉक्स और लगेंगे ऊपर जाने में। बहुत ज़्यादा ठंड है बस, बहुत ज़्यादा। बैटरी जो है ना बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन आउट हो रही है। बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड जर्नी है ये, मज़ा आ रहा है। ऑल सेट, बाइक जो है बहुत ज़्यादा स्किड कर रही है अभी। बाइक का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। आज तक लाइफ में कभी इतना टेम्परेचर नहीं दिखाया। एंड अभी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाली है। ये देखो धूप, धूप चाहिए था अपने आप को। और गरम गरम 4 कप पानी पिए हैं। ओह, कर्मा इज द बिहार रेजिमेंट, वाह। और हाथ जो है एकदम भी काम नहीं कर रहा है, एकदम भी नहीं। ऊपर तक कैसे जाएंगे हम,
ये देख लो, ये सारा फ्रोजन है। ओह, वर्ल्ड हाईएस्ट कैंप है ये। एक्चुअली ये ट्राइपॉड जो है ये कवर में से निकल रहा है, इसे कवर में से निकाल के टाई हो चुका अच्छे तरीके से। जहाँ भी मुझे लगेगा कि मेरी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, वहाँ से हम डायरेक्ट रिटर्न आ जाएंगे। ऊपर जाने की रिस्क कभी नहीं ले सकते हम। ये बीच में जो गड्ढे हैं ना, वहाँ पे पूरा आइस जमा हुआ है। ये देखो, अभी धूप मिल रहा है तो अभी बाइक का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है, नहीं तो वहाँ पे तो 3-4 डिग्री सेल्सियस था बाइक का टेम्परेचर। और अभी तक हमें कोई बाइक वाले नहीं दिखे। ये देखो, पूरा आइस है। सो काफ़ी आराम आराम से चलना होगा। और तेरी गया 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 गया। मैं पहले से भी प्रिपेयर था कि आइस है, लेकिन मैंने गलती क्या की, एस्केलेटर लेके और वो गड्ढे में कुदका दिया। गड्ढे में जैसे गया, मेरे से बैलेंस हुआ नहीं और गलती से मुझसे रियर ब्रेक लग गया, जिसकी वजह से वो स्किड कर गया। ये आखिरी चेक पोस्ट है गुरुदोनमांग लेक की तरफ। कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे देखने लायक है। ये गोरखा रेजिमेंट यहीं पे है। ये आखिरी चेक पोस्ट है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। हो सके तो एक फोटो खिंचवा लिया जाए, क्या कहते हो? हाँ, सो यहाँ से रोड काफी अच्छे दिख रहे हैं मुझे। यहाँ से 15 किलोमीटर है तो प्रोबेबली इट विल टेक हाफ एन आवर। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड है, बहुत ज्यादा ही। ये व्यू देखो, एंड बहुत सारी टैक्सी जो है वो रिटर्न हो रही है। वाओ, चलो चलो चलो, ट्रैफिक जाम है यहाँ पे, ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक पुलिस ही खड़ा है वहाँ पे, तो क्या ही किया जाए। लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है, लद्दाख वाली। सो यहाँ से गुरुदोनमार्ग लेक 1 किलोमीटर है। आई गेस मुझे लगता है कि वहाँ कहीं होगा गुरुदोनमार्ग लेक। और काफ़ी सही व्यू मिल रहा है, मतलब व्यू को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता है, ऐसा व्यू मिल रहा है। और यहाँ से ऑफ रोड पे जाना पड़ेगा। ये देखो, बर्फ़ के पहाड़। एक नंबर गियर में गाड़ी चल रहा है तब से, और थोड़ा थोड़ा जो है ना मुझे अनकॉन्सियसनेस फील हो रही है। बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है। ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हम लोग। और ये है गुरुदोनमार्ग लेक, फ्रोजन लेक। वो वही डायलॉग याद आ रहा है, मैं आसमान की ऊंचाइयों पे। एंड बस फाइनली आई हैव डन इट एंड दिस इज़ द फ्रोजन लेक, गुरुदोनमार्ग लेक। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द होली लेक। वाह, काफ़ी ज़्यादा विंडी सिचुएशन है यहाँ पे, तो ठंड उतना ही लग रहा है। एंड लुक एट द व्यू, बाइक जो है ऑफ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है भैया, आप यहीं पे हो? मैं 2 मिनट में आया। हिम्मत तो नहीं है कि नीचे जाने की, बट एक बार जाना बनता है। अभी नीचे जाके तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओह, तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ होली रेक। तो यहाँ का जो पानी थोड़ा सा
पी लिया जाए। तो भैया यहाँ पे दो मिले हैं, ये लोग चार के ग्रुप में आए हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम अर्णव है। अर्णव अभिषेक, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वेदर इस बाइक और कार। तो ये गुरुदोनमार्ग मंदिर है, बंद है क्या? अंदर जाने अलाउड नहीं है? ये जो पानी है जैसे हमारा गंगा है ना, वैसे ही हाँ ये होली तो पानी है। कैसे जो लोग के जो जिन औरत के बच्चे नहीं होते, अच्छा वो लोग कहते हैं यहाँ से बोतल से थोड़ा पानी लेके जाते हैं। तो अभी ऑक्सीजन पंप की जरूरत पड़ी, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत ज्यादा। ये मुंह से करना है? कभी जरूर मिलेंगे। मेरा चैनल याद आ गया? हाँ चलो मैं लिख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो थैंक यू। थैंक यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बहुत जल्द हमें लाचेन भी पहुँचना है एंड वहाँ पे थोड़ा लंच वगैरह करके आई विल स्टे ओवर नाइट देयर ओनली एंड कल वहाँ से गैंगटॉक। जिस बात का हमें डर था वही हुआ। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। अब यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि लाचेन में कोई भी मैकेनिक अवेलेबल नहीं है, वो मंगन में है, मंगन यहाँ से बहुत दूर है, और अगर वहाँ से पिकअप करते भी हैं टो करवाने का तो 10 से 12,000 रुपये ईजिली लेता है वो। दूसरी कंडीशन ये है कि होपफुली मतलब अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ बाइकर्स आए हैं यहाँ होटल पे, उनके पास टूल किट भी है एंड इन्फ्लेटर भी है, और मेरे पास ट्यूब है, तो कल हम उनके साथ जाने वाले हैं। अगर सब बढ़िया रहा तो कल जो है कल आपको हम मिलेंगे गोप्रो मोड पे ही अपने बाइक के साथ। अगर बढ़िया नहीं रहा देखते हैं, जब तक बाइक नहीं मिलेगी तब तक यहाँ से कैसे जा सकते हैं। सोचा नहीं था कि इतना कुछ खराब हो जाएगा मेरे, बट कभी ना कभी लाइफ में ये सब चीजें आप एक्सपीरियंस करते हो और इसी सब चीजों के साथ आप चीजें सीखते हो।
टायर सक्सेसफुली बंद हो गया है, बहुत लोगों ने मदद की, अभी सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन अभी कुछ खाया जाए, थक बहुत ज़्यादा गया है। सो अभी सारे भैया लोग मैगी खा रहे हैं, मेहनत के बाद ये मेहनत की खुशी है। अभी गरम गरम मैगी एंड इनका चाय, सभी लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया भैया। भैया गिर के ही बच्चे कोई बात नहीं, मेहनत सफल रही। आइए जल्दी आइए, बिल्कुल ठीक है, चलिए अभी देखते हैं अब गैंगटॉक में ही, अब नहीं तो मंगन में देखते हैं। हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि भैया को थोड़ा सा लेट हो चुका था आने में, और अभी जो टाइम हो रहा है वो 1 बज रहा है, थोड़ा लेट हो गया बट कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है कि बाइक बन गया और फाइनली हम बाइक पे हैं, ये सबसे खुशी की बात है। और इन्होंने बहुत क्या मेहनत की है मेरे लिए, क्या हेल्प दिया है, नेक्स्ट लेवल। ये पूरा आइस है और आइस में ब्रेक लेना मना है, आई हैव टू वेरी केयरफुल कि ज़्यादा स्टोन्स पे, ये छोटे छोटे जो साफ स्टोन्स होते हैं उस पर मैं गाड़ी ना चलाऊं। मुझे लगता है कि जो पंक्चर हुआ था ये स्टोन्स की वजह से हुई थी, क्योंकि यहाँ का जो स्टोन होता है काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है। ये देखो बॉस, देख रहे हो क्या गजब लेवल का स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, मतलब क्या विशाल सा पर्वत लग रहा है ये। मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की मिट्टी। ये सारा स्नो जो है ना ऊपर का नीचे आया है। सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे, मैं वीडियो को लाइक करोगे कि नहीं करोगे? तो अभी यहाँ से 15-16 किलोमीटर और होगा होटल, तो अभी होटल में ही आपसे हम मुलाकात करते हैं, ठीक है? तो ये है अभिजीत भैया, हाय, एंड ये गिरीश भैया, दे बोथ आर फ्रॉम महाराष्ट्र, कहाँ, नागपुर, नागपुर से। तो अभी के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हमारा मन था जुलूक जाने का, सुबह परमिट भी बना लिया हमने जुलूक जाने का, लेकिन गुरु दोनमार्ग में जो कांड हुआ हमारे साथ उसके वजह से ना मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग आज कंटिन्यू करें, लेकिन भैया लोग जो अभी दार्जिलिंग जाने वाले हैं। तो सीन्स कुछ ऐसे हुए कि जब हम लोग वहां से आए, काफी एडवेंचरस, काफी नॉन स्टॉपेबल जो हमारी राइड रही गुरु दोनमार्ग से लाचेन, लाचेन से फिर गैंगटॉक, और अभी हम लोग गैंगटॉक के होटल में है एंड यहाँ से अपन जाने वाले हैं हम घर अपने वापस पटना, एंड भैया लोग दार्जिलिंग में घूमेंगे। एंड अभी जो है सीन्स कुछ ऐसे हो गया है कि रास्ते में मेरा गोप्रो का ये माउंट टूट गया, तो अपन ने इसको एमसिल से कैसे भी करके जुगाड़ लगा के इसको फिक्स कर दिया है, लेकिन एक और ब्लॉग आने वाला है और वो ब्लॉग जो होगा वो आपको पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करना एंड कमेंट कर सकते हो, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड भैया से मिलकर काफी अच्छा लगा, भैया लोग काफी चिल है, अभी हम लोग यहाँ पे 800 रुपीज में होटल बुक करके नाइट स्टे किया यहाँ पे, एंड सारा सामान जो अभी बिखरा पड़ा है अभी सामान को फिट करना है, बाइक पे पैक करना, लोड करना है, उसका फिर निकलते हैं। बाकी सब बढ़िया चल रहा है, आप भी अपने घर में खुश रहो, हेल्दी रहो, स्टे फिट, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी मैन। थैंक यू।